Press the bell icon and never miss any updates from India Forums. मुंबई की एक्सेलेंसी बिल्डिंग में दिल न जाने का लॉन्च किया गया। इस सॉन्ग में टीवी एक्टर क्रिप सूरी नजर आए। सभी इस लॉन्च के लिए काफी एक्साइटेड थे। क्रिप यहाँ अपनी वाइफ सिमरन के साथ आए, जो उनके साथ इस सॉन्ग में भी हैं। So come, let's find out more from them. माइंड में तो मतलब बचपन से ही था, because my mom, she was a singer, she's a singer, fantastic singer. तो वो नहीं बन पाई, तो मैं चाहता हूँ कि वो मुझे देखकर अपना सपना पूरा करें। अभी उनका सपना अधूरा रह गया, और मेरा एक मित्र है जिसने विश्वास जगाया कि आई कैन सिंग, एंड आई एम नॉट अ सिंगर बट आई हैव दैट बिलीव दैट आई कैन सिंग। आई थिंक एवरीबॉडी, हर किसी के मन में ये बिलीव होता है, और हर कोई इंसान कुछ भी कर सकता है, बस एक बिलीव की बात है, एक सोच की बात है। तो मेरी सोच थी, मेरा बिलीव था कि आई विल डू इट, सो कर दिया, और मेरी माँ का सपना पूरा हुआ। बहुत सुनने में अच्छा लग रहा है, देखने में द वीडियो लुक सो प्रिटी, द स्टोरी इज सो अमेजिंग, दे बोथ आर लुकिंग सो गुड, द लोकेशन इज सो गुड। सो आई थिंक सब मार्क्स पे लाइक इट्स 5 पॉइंट ऑन एवरीथिंग, सो आई थिंक यू गाइज विल लव इट। सो प्लीज लाइक डू वॉच एंड प्लीज डू लाइक इट एंड लव इट। डिफिकल्ट कुछ नहीं होता, बस आपको मतलब हर डिफिकल्ट चीज़ को आसान बनाना आपके हाथ में होता है। तो जब हमने ये गाना कंपोज किया था और उसके साथ साथ लिखा था, तब कहानी पे भी काम किया था, देन वो कहानी मैंने आर्ट डायरेक्टर मकबूल खान को नरेट करी, एंड सी टोल्ड मी, यार तुमने ताजमहल लिख दिया, सो कैसे करेंगे हम लोग, मतलब ये तो बहुत सारे चेंजेस एट ऑन द स्पॉट हमने चेंज भी किया था, बिकॉज बहुत डिफिकल्ट था। तो कोशिश यही थी कि जो सोचा है वो हम पर्दे पे उतार सके, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, या जो सोचा था कहीं ना कहीं हमने पर्दे पे उतार दिया। बहुत इन दोनों ने काम किया है, ये रात रात भर 5-5, 6-6 बजे तक ही घर नहीं आते थे, बट ये म्यूजिक पे काम करते थे, स्टोरी पे काम करते थे। सो इट्स हिज हार्ड वर्क दैट हैज कम आउट, और वो आप देखोगे गाने पे। सो शूट के बाद ही टू गो फॉर सॉन्ग वर्क, और ये 6-6 बजे सुबह आते थे, देन अगेन टू गो बैक टू शूट एट नाइट। सो इट्स हिज हार्ड वर्क जो बाहर आई है। नहीं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा ड्रीम था क्रिप के साथ काम करना पहली बार, और उन्हीं के कंपोज किए, सिंग किए हुए सॉन्ग पे। सो इट वॉज बहुत अच्छा था सब कुछ, एंड आई एम सो हैप्पी एंड नर्वस कि हमारा सॉन्ग आज रिलीज हो गया है। सो जस्ट नीड योर लव एंड सपोर्ट। सो रियल लाइफ एक्सपीरियंस हमेशा अच्छा ही होता है, बिकॉज हम लोग एज ए प्रोफेशनल काम करते हैं। इवन अगर हम हस्बैंड वाइफ भी हैं, तो भी वहाँ पर जो हम लोग सेट पे होते हैं, तो हमको हस्बैंड वाइफ की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए, जो हमने नहीं किया। एट टाइम्स होता था, बहुत ज़्यादा लगता था, तो मैं हमारे जो डायरेक्टर हैं, अभी आप उनसे भी रूबरू होंगे, वो उनको बोलता था कि प्लीज़ यू गो एंड टेक केयर ऑफ इट। सो बट हाँ, एंड ऑफ अ डे द प्रोडक्ट हैज़ कम वेरी नाइसली, द सॉन्ग हैज़ कम वेरी नाइस, एंड सो आई एम हैप्पी। अच्छा एक्सपीरियंस था। दिल ना जाने क्यों झुका तेरे पहलू में आके, रब हुआ तू सब हुआ, ये कब हुआ इतना बता दे, दिल ना जाने। थैंक यू। Hi, I'm Krip Kapoor Suri, and you're watching me on India Forums. And please do subscribe to YouTube channel India Forums. India Forums wishes Krip Suri and his wife all the very best. And do not forget to subscribe to India Forums. Addiction at its best.